हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लाइंस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के एपिसोड 2 को। अगर आप लोग इसके एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में सितारा, गुटा, नोवा एंड उसके टीम को देखते हैं, जो सभी एक सिंगर एंड म्यूजिशियन है। सभी एक पब में परफॉर्मेंस कर रहा होता है। परफॉर्मेंस करने के बाद सभी अपना सामान को पैकिंग कर रहा होता है वापस जाने के लिए, और सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था, वहां पर जाता है। अगर आप लोगों को एपिसोड 1 देखे होंगे तो याद होगा कि क्यूबा बताता है कि मैं यहाँ की सिटीजन हूँ, और बताता है कि मैं ही यहाँ के लीडर और ये गेम हमने ही बनाया है, लेकिन ये आइडिया सितारा का था। सितारा बताता है कि ये गेम हम लोग मिलकर एक साथ खेलेंगे। युवा बताता है कि हर एक फेस में तुम्हारा मुकाबला यहाँ के सिटीजन से होगा, जिसमें दाव पर लगी होगी जान, हारने वाली टीम मारी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये गेम जितना तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए। गेम के नाम चीरी के बादशाह रहता है। गेम को स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम को 10,000 पॉइंट मिलता है, जिसे शुरू होने से पहले सभी को एक दूसरे में बांट लेना रहता है। पॉइंट सभी टीम को तीन तरीके से मिल सकता है, बैटल करके, दूसरा आइटम जो यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर है उसी में कहीं पर छुपा कर रखा गया, जिसे हम लोग बोनस भी कह सकते हैं। एंड तीसरा ये बेस से जो आप लोगों को ये खंबा दिख रहा है, जिसे अगर विरोधी खिलाड़ी इसे छुएगा तो उसे कुछ पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर जिस प्लेयर का बेस होगा और वो बेस को पकड़े हुए सामने वाला को छुएगा तो वो वहीं मारा जाएगा। और हाँ, अगर दो खिलाड़ी एक साथ मिलकर दूसरे को छुएगा उसका पॉइंट कट जाएगा। पर हाँ, पॉइंट बटने के बाद किसी को भी ये नहीं पता होगा कि किसके पास कितने पॉइंट है। इसके बाद सारे नियम समझाने के बाद गेम को शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आरिशु युवा से पूछते हैं कि क्या मैं सारे लेवल पार करने के बाद असली दुनिया में जा सकता हूँ। युवा कोई खास जवाब नहीं देता है, पर बताता है कि ये दुनिया ही तुम्हारी दुनिया है, और अगर तुमको सच जानना है ना तो तुम मुझसे पूरे पावर से लड़ना। इसके बाद दोनों अपने अपने बेस पर चला जाता है। आरिशु एक प्लान बनाता है और आपस में पॉइंट बांटकर गेम को शुरू कर देता है। दत्ता को कुछ कम पॉइंट देकर बेस की हिफाजत करने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद ये चारों अलग अलग दो जोड़ी बनकर दूसरे प्लेयर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, ताकि उसके पॉइंट मिल सकें, और साथ ही आइटम को भी खोजने लगता है। एक कंटेनर में आरिशु को मिलता है, जिसे छूने के बाद 2000 पॉइंट मिलता है, और क्यूबा के टीम से 2000 पॉइंट से आगे हो जाता है। तभी वहां पर क्यूबा आ जाता है, जो आरिशु को बैटल करने को कहता है अकेले अकेले, क्योंकि आरिशु क्वीना के साथ करने वाला होता है। लेकिन क्यूबा कुछ ऐसे बात कहता है जिसके कारण आरिशु अकेले ही करता है, लेकिन आरिशु ही उससे 2000 पॉइंट जीत जाता है, क्योंकि आरिशु के पास ज्यादा पॉइंट रहता है। मतलब कि आरिशु अपने टीम को कम ज्यादा करके पॉइंट बांटा रहता है, लेकिन क्यूबा अपने हर एक साथी को बराबर बराबर पॉइंट बांटा रहता है, और कहता है कि मेरे लिए हर एक साथी बराबर, वो चाहे जीने या मरने का ही बात क्यों ना हो। इधर ओगासी और विरागी मिलकर गुटा से किसी तरह से बैटल के कुछ पॉइंट ले लेते हैं। फिर असिया, क्यूमा और गोकाइल को भी पकड़ के 500 पॉइंट ले लेता है। पहला राउंड समाप्त हो जाता है और ये सब काफी खुश हो जाता है, और फिर सभी अपना अपना पॉइंट चेक करता है। इधर बादशाह अपने टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। दूसरे राउंड में आरिशु के टीम आइटम ढूंढने के लिए चला जाता है, दत्ता को बेस के पास छोड़कर। वह सब इधर उधर आइटम खोज रहा होता है, तभी बादशाह के टीम इसके बेस पर आ जाता है, और फिर सभी एक साथ मिलकर हमला कर देता है। हालांकि दत्ता अगर बेस को छूता है तो उसका पॉइंट अनगिनत हो जाता है, और वो जिसे भी छुएगा वो वहीं पर मारा जाएगा, लेकिन ये सभी बिना जान के परवाह किए बेस पर हमला कर देता है। लेकिन दत्ता सभी को तो नहीं रोक पाता है, लेकिन सितारा को रोक देता है। बादशाह के सीधा 4000 पॉइंट तो मिल जाता है, लेकिन सितारा वहीं पर मारा जाता है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद सभी काफी मायूस हो जाता है और सितारा को अपने बेस पर ले आता है। इधर विरागी भी दत्ता पर काफी चिल्लाता है कि अगर तुम्हें मारना ही था तो बादशाह को क्यों ना मारा। पर सभी
फिर से प्लान बनाता है और आइटम खोजने लगता है। इधर दुबई के टीम भी आइटम खोजने लगता है और ये सभी एक एक करके बैटल करने लगता है और पॉइंट लेने लगता है। बादशाह की टीम 8000 पॉइंट से आगे हो जाता है और यीशु एक आइटम वाला कंटेनर में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही मौकी रहती है और उससे पहले पॉइंट ले लेती जो सबसे बड़ा आइटम 3000 पॉइंट रहता है। तभी वहाँ पर क्यूबा भी आ जाता है जो अपने दोस्त को मरने की वजह से काफ़ी दुखी रहता है और फिर और यीशु से बैटल यानी कि टच करके पॉइंट ले लेता है और कुछ ये बातें कहता है। ध्यान में रखना, ये गेम जीने या मरने का है। क्यूबा के टीम 12000 पॉइंट से आगे रहता है और टाइम भी काफी कम बचा रहता है जिससे ये सभी काफी परेशान हो रहा होता है। हालांकि दत्ता के पास अभी भी 10000 से ज्यादा पॉइंट रहता है लेकिन तभी आरिस्तु के क्यूमा के कुछ ये बातें याद आता है। इसके बाद ये सभी फिर से प्लान बनाता है और उसके बेस पर हमला करने के प्लान बनाता है। हालांकि सभी को जान जाने के भी डर रहता है लेकिन फिर भी प्लान के मुताबिक जाता है। दत्ता अभी भी बेस के पास ही रहता है। इधर ये लोग बेस के पास ही रहता है क्योंकि ये सभी कुछ ही समय में जीतने वाला रहता है। लेकिन तभी ओगासी आती है और उस सबको उकसाकर अपने पीछे पीछे भगाने लगती है। क्यूना गुटा को अपने पीछे भगाना चाहती है पर तीनों बेस से ही चिपक जाता है। इधर ओगासी काफी भगाती है और टीम के काफी दूर ले जाती है। तीनों किसी तरह से बेस पर हमला कर देता है जिससे सिर्फ 10000 पॉइंट ही मिलता है, मतलब कि जीतने के लिए अभी भी 2500 पॉइंट की जरूरत रहता है। सभी वापस बेस के पास चला आता है, काफी दुखी हो जाता है। विरागी वहां से दूर चला जाता है लेकिन अभी भी एक आइटम है जिसे खोजकर कुछ और पॉइंट मिल सकता है। ओगासी आइटम ढूंढने लगती, हालांकि आइटम मिल भी जाता है लेकिन जीतने के लिए अभी भी 500 पॉइंट की जरूरत रहता है, जिसके कारण और यीशु सोचता है कि क्यों न हम उसके बेस पर जाकर हमला कर दे ताकि मैं मर जाऊँ लेकिन बाकी सब तो बच जाएगा ना। इधर विरागी को देखते जो जबरदस्ती ओगासी को मारने पीटने लगता है। समय अब सिर्फ 9 मिनट ही बचा रहता है और यीशु जल्दी से जा रहा होता है बादशाह के पास। दत्ता भी काफी परेशान रहता है। इधर क्यूबा काफी खुश रहता है जीतने की खुशी में। दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। एंड इसके फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं।